आप सब दोस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम अपने लिप्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, सॉफ्ट बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा काले हो गए हैं, आप सिगरेट पीते हैं या फिर आप बीड़ी पीते हैं या फिर आप बहुत सारी ड्रिंक करते हैं, तो भी आपके बाल जो लिप्स हैं, सॉरी बाल नहीं, लिप्स आपके जो है वो बहुत काले हो जाते हैं। लिप्स को हम प्रॉपरली हाइड्रेट कैसे कर सकते हैं, लिप्स के ऊपर जो ब्लैक बर्थ होती है उसे कैसे निकाल सकते हैं, हम अपने लिप्स के लिए ऐसी क्या चीज कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट हो सके, स्किन लाइटन हो सके, सूद हो सके, हमारी लिप्स बहुत सॉफ्ट एंड पिंक हो सके। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी सी रेमेडी बताऊंगी जिससे हम अपने लिप्स को प्रॉपरली स्मूथ सॉफ्ट बना सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज बताऊंगी, ऐसी चीज जो आपको रात में अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेनी है, तो ये आपको अमेजोन से खरीदनी होगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बार में, वहां पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर लीजिएगा। ये बहुत सॉफ्ट है आपके लिप्स को स्मूथ सॉफ्ट करने के लिए, जो चीज मैं बता रही हूँ पहले आपने उस रेमेडी को इस्तेमाल में कर लेना है, आगे डीआईवाई में बता दी हूँ कैसे वो रेमेडी का हमने यूज में लेना है। तो उसके बाद हमने उस चीज को जो बाम आपको बताऊंगी उसे आपने लिप्स पे अप्लाई कर लेना है, लिप्स को एकदम स्मूथ सॉफ्ट सा बना लेना है। तो दोस्तों इससे लिप्स एकदम स्मूथ सॉफ्ट एंड हाइड्रेट हो जाएगी, स्किन लाइटन हो जाएगी, स्किन नेचुरली पिंक हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को हमने कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा चम्मच सूजी का लेंगे। सूजी हमारी स्किन को सूद सॉफ्ट करने में बहुत हेल्प करेगी, स्किन को हाइड्रेट करेगी और सॉफ्ट बनाएगी। तो आधा चम्मच हमने सूजी का लेना है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर डालेंगे एक विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, सूद करता है, आपके लिप्स की जो स्किन है ब्लैक पर्थ है उसे निकालेगा और स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। स्किन की जो ब्लैक पर्थ है उसे निकालने के बाद गुलाबी रंग, आपका जो नेचुरल रंग है आपके लिप्स का, उसे वापस लेकर आने में बहुत हेल्प करेगा। और जो सूजी है, ये दोनों का मिक्सचर, जब सूजी विटामिन ई के कॉन्टेक्ट में आती है तो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी तैयार होती है। तो दोनों को हमने मिक्स कर लेना है। और दोस्तों अब मिक्स करने के बाद इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरह का हो गया है। अब मैं इसमें सिर्फ एक पंप डालूंगी रोज वाटर का, दैट्स इट। दो पंप मैंने इसके अंदर रोज वाटर के डाले हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं सूजी, विटामिन ई और रोज वाटर, ये टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रोज वाटर और भी मिला सकते हैं, इससे ये थोड़ा सा पतला बन जाएगा। तो गाइस ये देखिए, या ये बन गया है। अब मैं बताती हूँ इसको हमने यूज़ कैसे करना है। ये तीनों चीज़ें बहुत बेस्ट हैं हमारी जो लिप्स की स्किन है उसे हाइड्रेट, सूद एंड सॉफ्ट करने के लिए। तो चलिए इस रेमेडी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे हमने इसे लिप्स पे अप्लाई करना है। अब दोस्तों इस टेक्सचर को आपने अपने लिप्स पे अप्लाई करना है लाइक दिस। दो से तीन मिनट तक आपने इसे अपने लिप्स पर रब करना है। अब दोस्तों आपने इसे स्क्रबिंग करने के बाद वॉश कर लेना है, दो मिनट तक वेट करना है, उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं लिप्स की स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है, लिप्स बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत शाइनी हो गए हैं और कलर भी चेंज हो गया है। आप इसे दो दिन छोड़ के यानी कि वीक में तीन से चार बार कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है लिप्स को एकदम नेचुरल भी पिंक और सॉफ्ट करने में। अगर आपकी लिपस्टिक आपके लिप्स पे नहीं टिक रही है, तो स्टेबिलिटी लिपस्टिक की आपके लिप्स पे नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसके बाद अपनी लिपस्टिक को अपने लिप्स पे अप्लाई कीजिए। बहुत परफेक्ट रेमेडी है, इससे आपके लिप्स बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड सूदन रहेंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है। सो गाइस कैसी लगी आपको ये रेमेडी? अगर आपके लिप्स बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा काले तो इस रेमेडी को यूज जरूर करें। अगर आपके दोस्तों के लिप्स काले हैं तो उन्हें इसका रेफरेंस जरूर दें, मेरे वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें, ताकि वो उनका हेल्प हो सके और उनके लिप्स भी पिंक पिंक हो सके। तो गुलाबी लिप्स के लिए इस रेमेडी को इस्तेमाल में जरूर लेके देखिएगा, वीक में दो से तीन बार इसे कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट है। तो ये रेमेडी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट कैसी रेमेडीज चाहिए मुझे वो भी बताइएगा। जो आप वीडियोस आप लोगों के लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएंगी। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।